आज तारीख है 15 और अभी बज रहे हैं 2। अभी मैं आया हूँ हमारे टर्मिनल 1 पे, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो पहले मैं सारी चीज़ें करा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बोलता हूँ कि आज क्या हुआ और आज मैं लेट क्यों हुआ और मैं एग्जैक्टली जा कहाँ आ रहा हूँ। फ्लाइट अभी टाइम पे है 6E5193 15:30 का चेन्नई समय और 17 नंबर। चलो जाते हैं अपने 17 नंबर के गेट पे। तो अभी मैं आ गया हूँ हमारे टर्मिनल 1 के गेट के पास। अभी थोड़ी शांति है तो मैं आप लोगों के साथ पूरी चीज़ें बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या हुआ आज, बेसिकली मैं लेट क्यों हुआ। सो अभी हम जा रहे हैं सुंदर जी के सन के रिसेप्शन में, जो आज शाम को है। और आज मतलब मैं ये सैटरडे की बात कर रहा हूँ, 15 जून की। अभी मैं और संतोष पासी जी जा रहे हैं। अभी संतोष पासी जी के साथ ये गड़बड़ हो गई कि वो टर्मिनल 1 के जगह पे टर्मिनल 2 चले गए, बट ठीक है वो आ रहे हैं, अभी देखते क्या होगा। अगर वो आ गए तो हम जाएंगे, अगर वो नहीं आए तो मैं अकेला जाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई। आपको जैसे कि पता है मेरे पास है ना, मैं जनरली फॉर्मल शर्ट्स वगैरह नहीं पहनता हूँ, पैंट्स भी नहीं पहनता हूँ। तो जब ही सुंदर जी के सन के रिसेप्शन के लिए और शादी के लिए मुझे इन्विटेशन आया आज से 15-20 दिन पहले, तो मैंने सोचा कि यार एक फॉर्मल पैर में ले लेता हूँ। और मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को फॉर्मल में थोड़ा फिटिंग प्रॉपर चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर मैं नहीं पहनता हूँ। तो मैं ओबेरॉय मॉल गया था और ओबेरॉय मॉल में मैंने वैन हुसैन में 2 शर्ट पसंद किए और उनके बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग कर लीजिए, मैं आगे जाके देखता हूँ। मेरे ख्याल से ये मैं 11-12 तारीख को गया था रात को। फिर हम लोग आगे गए तो बॉम्बे शर्ट कंपनी करके एक स्टोर दिखा, मैंने मेरी वाइफ को बोला चल अपन वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे एक स्टोर पे एक सेल्समैन था जिसका नाम था विकास गुप्ता, या मेरे ख्याल से विकास गुप्ता। उसने मुझे बोले कि सर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपको शर्ट ट्राई कराएंगे, पैंट ट्राई कराएंगे, उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा और फिर हम आपको स्टिच करके भेजेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं है, मुझे वहाँ पे एक पैंट पसंद आई। वो उन्होंने बोला कि भाई ये तो आपको 1 हफ्ता या 15 दिन के बाद ही मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है ये हम बाद में ले लेंगे, जब भी आपके पास अवेलेबल होगी आप मुझे बताना। उन्होंने बोला हम लिंक भेजेंगे आप पेमेंट कर देना, वो सॉर्टेड था। पर वहाँ पे मुझे उनके 1 शर्ट पसंद आया, तो मैंने बोला कि ठीक है, हाँ ठीक है यहाँ पे रख दीजिए, थैंक यू मैम। सो हाँ, तो वहाँ पे मुझे उनके जो शर्ट पसंद आए थे उसमें से उन्होंने मुझे एक शर्ट को पहनने दिया और उन्होंने बोला कि ये आप शर्ट पहनिए, आपने ये जो शर्ट पहना है ना आपको ऐसा सेम शर्ट मिलेगा फिटिंग में, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग के क्वालिटी में भी सेम मिलेगा, तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने बोला यार प्लीज़ ट्राई कीजिए, 1-2 दिन में मुझे दे दीजिए जिससे मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ वहाँ पे पहन सकूँ। तो उसने बोला हाँ सर हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको हाँ उनका जो शर्ट मैंने ट्राई किया था उनका, उन्होंने बोला ये कलर आपको नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला वाइट और स्काई ब्लू कलर दे दीजिए। सब डन हो गया, बिलिंग विलिंग हो गया, सब हो गया। उसके बाद मैं आ गया घर, फिर फ्राइडे को कपड़े भी आ गए। फिर जब मैंने उसको ट्राई किया फ्राइडे इवनिंग को, तो मैंने ये चीज़ को नोटिस किया, ये जो मैंने पहना है वाइट शर्ट वो उसमें से एक है, कि मैंने जो शर्ट पहना था उसका कॉलर था टाइट। मतलब ये देखो ये कैसा लूज है, आप अगर यहाँ पे देखोगे ये लूज कॉलर है, वो प्रॉपर टाइट कॉलर था। और इसके जो कफ थे वो भी टाइट थे, और जो मेरे को मिला है उसका कॉलर लूज है। आप यहाँ पे देखो ये नॉर्मल कॉलर है, मतलब ये कैजुअल जैसा कॉलर है, और इसके कफ भी लूज है। मतलब उस वो लोग बोल रहे थे स्टिफ नहीं है, ये स्टिफ है। बट एज अ कस्टमर मैंने उनको सिर्फ ये बोला था कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद आई है, मुझे सेम ये चीज़ चाहिए, तो फिर मुझे ये चीज़ क्यों मिली। पहली बात तो ये क्वालिटी की बात हो गई। दूसरी बात कि जो उन्होंने फिटिंग मुझे ट्राई कराई थी, मतलब उन्होंने मुझे जो शर्ट ट्राई कराया था उन्होंने बोला था कि आपको सेम फिटिंग का शर्ट मिलेगा, और शर्ट भी मुझे अलग फिटिंग का मिला। जबकि अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस दिन सैटरडे मैं उनके स्टोर में गया मेरे ख्याल से 11:30 को, अब वहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने वहाँ पे टी शर्ट्स भी लिए थे जो बोला था सेम फिटिंग के मिलेंगे। अब मैं आपको वो फुटेज प्ले करके दिखाऊंगा जो स्टोर में हमारे साथ हुआ, आप वो फुटेज पहले देख लीजिए फिर मैं आपके साथ वापस आता हूँ। तो हम लोग अभी है बॉम्बे शर्ट कंपनी में। मैंने यहाँ पे से थोड़े दिन पहले जो कपड़े लिए थे इन्होंने मुझे बोला था कि आप यहाँ पे जो साइज देखते हो वही साइज यू विल गेट व्हेन यू विल ऑर्डर एट द होम। पर अब जब हमने टी शर्ट ऑर्डर किया तो अभी इन्होंने जो स्टोर में मुझे ट्राई कराया, प्लीज आप इसके माप लीजिए, ये है 7 इंच,
आप लोग देख सकते हो 7 इंच से थोड़ा छोटा है, बट वी कैन से 7 इंच है। जो मुझे घर पे डिलीवर हुआ वो आया 7.5। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आप ये भी साइज मापिए, ये डिफरेंस क्यों आया इतना बड़ा? क्यूसी के लिए भेजना पड़ेगा, वहां से पता चल जाएगा कि क्यों आया हुआ है। नहीं, पर ये क्यूसी क्या, अभी अभी जैसे मैंने आपके पास से जो शर्ट लिया, अभी मैंने आज पहनने के लिए लिया एक प्रोग्राम में, तो अभी वो शर्ट में भी फर्क है, तो मैं क्या करूँ फिर उसका? आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको नहीं, अभी अल्टर होगा तो नहीं ना, मैं एयरपोर्ट जाने की जगह पे आपके पास आ रहा हूँ। और जबकि आप ऐसा क्लेम करते हो कि आप जो यहाँ पे ट्राई कर रहे हो वही फिटिंग यू विल गेट इट, तो फिर आधे इंच का मतलब ऑलमोस्ट, अगर आप आधे इंच को डबल में कन्वर्ट करो तो 1 इंच का फर्क। अरे कभी होता नहीं है, पर मेरे साथ तो हुआ ना दोस्त, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूं। ये पट्टा किसका है? आपका ही है सर, ये पट्टा मेरा है, ये प्रोडक्ट मेरा है, और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल राइट है, और मैं उस चीज से डिनाई नहीं। चलो अभी ऐसा कुछ हुआ है, अभी आप फटाफट करो, मेरा फ्लाइट है, अभी आप करो और आप इसको भी मापो। नहीं, ये तो मैं समझ गया कि सर दो डिफरेंस है, एक जगह चेक करने के। अभी अपन शर्ट में करते हैं, अभी मैंने वो जो शर्ट ऑर्डर किया था और आपने मेरे को जो यहाँ पे ट्राई करा, तो अभी ये भाई के पास मैं शर्ट बता रहा हूँ, टी शर्ट का तो आपने देख लिया, अभी ये मुझे बोल रहे हैं कि आपने जो शर्ट ट्राई किया है वो फॉर्मल है और आपको जो ऑर्डर में आया है वो कैजुअल शर्ट है। तो मैंने ये शर्ट ट्राई किया था भाई साहब, और आपके जो भाई थे विकास, विशाल, मुझे ऐसा विशाल जो मुझे बोलते कि मेरा नाम विशाल है, ठीक है, उसने मुझे बोला कि सर आप यहाँ पे जो ट्राई कर रहे हो वही आपको घर मिलेगा फिटिंग। सुनिए, ये अभी ये ना, ये आप कंडीशन सप्लाई वाले मेरे साथ कोई कंडीशन अभी मेरी बात सुनिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ, वेरी मच क्लियर, नाउ लिसन, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, नहीं आप कुछ अलग चीज बता रहे हैं, इसके लिए उसके मैं एग्री नहीं करता, पूरी सुन लीजिए, मैं आपकी बात ही सुन रहा था, बताइए, आधे घंटे से नहीं, पर आप मेरी बात सुनिए, मैं वो कस्टमर हूँ जिसने आपको पैसा दिया है और उसने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि उसको सेम चीज मिलेगी। पहली बात तो फिटिंग में भी फर्क नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, नहीं सुनिए सुनिए, पहली बात तो फिटिंग में भी फर्क नहीं होना चाहिए, दूसरी बात ये कि अगर आप किसी कस्टमर को बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट आप ट्राई करिए पर ये कलर हम आपको नहीं देंगे क्योंकि ये ट्रायल के लिए है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। उस दिन मैंने बोला अगर आप ये कलर नहीं सेल करते हो तो आप मुझे व्हाइट और स्काई ब्लू कलर दे दीजिए, पर मैंने कैजुअल और फॉर्मल का तो डिफरेंस नहीं बोला था, आपने वो खुद ही कर लिया आपके साइड से, ये शर्ट का कॉलर टाइट है। अब आपने बोल दिया सर, मैं बोलूं, एक सेकंड में कंप्लीट करने दीजिए, ये शर्ट का कॉलर टाइट है, इसका टाइट है, उसका सॉफ्ट है, हाँ तो वो मेरे को तो टाइट ही कॉलर चाहिए था ना, क्योंकि मैंने टीआई टाइट कॉलर था। अब आप बताइए, अब देखिए ये जब आप ट्राई करते हो ना, ये जस्ट फिटिंग के लिए है कि आपको ऐसी फिटिंग मिलेगी, प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हुए, इन प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जैसी जो चीज है सेम उसी स्टैंडर्ड में। आपने मुझे फिटिंग दिया, फिटिंग के लिए आया मैं, उसका कॉलर टाइट है, उसका कॉलर है नहीं, क्योंकि हमारे पास में जो क्या उसका कफ टाइट है, उसका कफ टाइट आपने उस दिन क्यों नहीं बोला? मैं वही बता रहा था जो आपने प्रोडक्ट चूज किया, मैंने प्रोडक्ट चूज मैंने क्या किया, मैंने वो पर्सन, अगर आज वो विकास यहाँ होता और वो जब आएगा वापस मैं आऊंगा, मैंने वो विकास को बोला कि मेरे को यही सेम चीज चाहिए। सेम चीज का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे बता देना, सेम चीज का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि वो जो हम ये जो ट्राई कर रहे हो ये सिर्फ फिटिंग के लिए है, रेडी प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ और है, और वैसे भी सर आप जो कह रहे हैं ना सर, मैं उस चीज को भी रेक्टिफाई करके देने के लिए तैयार हूँ सर जी, लेकिन वो जो आप कॉलर और कफ का कह रहे हो ना सर, दैट वोंट बी पॉसिबल। तो आप ये कॉलर और कफ ये जब आप ट्रायल कराते हो जो जैसा देने वाले हो, तो आप वैसा सॉफ्ट ही रखो ना। मैं वही कह रहा हूँ, अभी आप, अभी आपने कहा, अभी देखिए मेरे पास ये एक ये देखिए इसका जो कॉलर है ये कफ, ये ठीक है, इसका जो कॉलर है जो आपने सेकंड वाला देखा फॉर एग्जाम्पल, ये इसका सॉफ्ट है, अगर आप ये देखते हो, अरे सर एक सेकंड ये हाफ स्लीव है, मैं मेरे को ना आप ये सब पिक्चर, आप बर्गर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप अगर मैं ये चाहता हूँ कि उस दिन जो आपने बोला था कि सर आप जो पहन रहे हो वो सेम फिटिंग और सेम चीज आपको मिलेगी, अब उसका सेम चीज का मतलब क्या होता है? सेम फिटिंग, मैं एग्री कर रहा हूँ कि मतलब आप तो फिर आप और, अगर आप एक टाइट कॉलर और टाइट कफ नहीं बेचते तो आप दिखाते ही क्यों हो ट्रायल में, क्योंकि जब हम इसको पहनते हैं तो इसका फील अलग होता है। बंदा ये भी कह रहा था आपको, कहाँ कह रहा था बताओ, ये जो प्रोडक्ट आप सामने चूज कर रहे हो ये प्रोडक्ट में ये फिट मिलेगी आपको,
मैं तो उसने ऐसा नहीं बोला था, अदरवाइज मैं आपके पास वापस आऊ ही नहीं कभी। सर फिटिंग की पहली बात तो आपने मेरे साथ फिटिंग में गड़बड़ कर दिया। अभी मैं तो चीटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये कॉलर देखो, ये कफ देखो, ये कफ कितना सॉफ्ट है, और ये कफ देखो। अभी ये भाई बोल रहा है कि जो आपको हम ट्रायल कराते हैं वो कफ अलग होते हैं, और जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो कफ अलग होता है। आप बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए, वो बताइए। मेरे को जो मैंने जो चीज के लिए पैसा दिया, आई जस्ट वांट दैट। तो मैं सर इसकी फिटिंग सेम इसी करवा देता। फिटिंग का क्या, पर इसका क्या, वो भी नहीं पाएगा। तो फिर आपके पास अगर वो प्रोडक्ट बेचने में नहीं रखा है आपने, ये वाला आप ट्रायल में भी यही रखिए ना फिर। कम्युनिकेशन क्या, नहीं नहीं अब आपने ये फुटेज देख ली। अब टी शर्ट्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे हैंड में अपना जो स्लीव होता है उसमें 1 इंच का फर्क है। शर्ट का तो उन्होंने मापा ही नहीं, बहुत फर्क था उसमें भी, एक इंच का फर्क था ही, क्योंकि वो मुझे समझ ही रहा है। उन्होंने वापस इसको अल्टर करके मुझे दिया है। मैंने उनको बोला ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला सर हम जो स्टोर में पहनाते हैं वो तो ट्रायल होता है, आपको जो मिलता है। तो मैंने बोला आपको कस्टमर को बताना चाहिए ये चीज़ कि आपको अलग चीज़ मिलने वाली है, तो मेंटली मैं प्रिपेयर रहूँगा। बाकी मैंने ऑर्डर देने के टाइम तो आपको बोला था कि मुझे सेम चाहिए, तो सेम का मतलब सेम होता है, सिर्फ कलर अलग होता है, राइट। उसमें चीज़ें तो बदल नहीं जाती है ना कलर चेंज में, तो ये प्रॉब्लम हो गई। और एज अ कस्टमर आई फील वेरी चीटेड, राइट। मैंने जब भी उनके स्टोर में गया था ना, तभी मैंने उनको उनके YouTube चैनल पे एक कमेंट भी किया था कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फाइनली एक ऐसी ब्रांड मिल गई है जो बहुत अच्छी है, अपने कस्टमर को सीरियसली लेती है, अपने काम को दिल से करती है। मैं वो कमेंट यहाँ पे डाल दूंगा। उन्होंने वो कमेंट को स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने Instagram पे भी डाला था, राइट। तो अगर आपके कस्टमर के साथ ऐसा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा। अब अभी आप लोग ये सोचोगे कि विजय भाई क्या हुआ, 1 इंच का फर्क आया, कपड़ा उसने कॉलर टाइट नहीं लूज वाला दिया। बॉस ये फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आपको चाहिए, समझो आप शादी करने जा रहे हो किसी के साथ, तो आपको उसके घर वाले एक अच्छी बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाते हैं, जैसे ऐश्वर्या दिखा दी आपको, और आपकी शादी राखी सावंत से करा दी, तो आपको क्या लगेगा। अभी मैं आपको बोलूंगा अरे भाई शादी तो हो गई ना तेरी, क्या फर्क पड़ता है लड़की कौन है, ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आई गेस आप जैसे कस्टमर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि आप जो पहना रहे हो, आप जो कपड़ा फील करा रहे हो, वही कपड़ा आप मुझे दीजिए, राइट। शर्ट के कॉलर्स में भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ये अलग पैटर्न है जो मैंने अभी पहना है, वो जो अलग पैटर्न था जो उन्होंने मुझे दिखाया था। अभी मैंने एक शर्ट ये मजबूरी में वापस लिया, क्योंकि मेरे पास आज पहनने के लिए कोई फॉर्मल नहीं था और मैं इनके भरोसे था। तो मैं वहाँ पे उनके मॉल गया ऑफिस के बाद 11:30 बजे, फिर वहाँ पे 1:30 बजे मैं फ्री हुआ, वहाँ से मैं घर आया। घर से अभी यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपके सामने दिखा, ये पनीर टिक्का लिया है, खाऊंगा और फ्लाइट में जाऊँगा। तो ये सारा जो हेक्टिक मेरे लिए हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा। तो वो तो भाई सॉरी बोल के, वो लोग वो जो सेल्स मैनेजर था वो सॉरी बोल के छूट गया। उन्होंने बोला कि हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। अरे प्रॉब्लम सॉल्व करा दी मतलब क्या, पर ये प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप इतनी बड़ी ब्रांड हो, आप इतना बड़ा बोल रहे हो आपका, तो यही चीज़ है। बस मेरा तो दिमाग अभी भी ख़राब है। अभी मैं यहाँ पे मैंने ये पनीर टिक्का मंगाया है, मैं खा लूँगा और फिर चले जाऊँगा, और संतोष जी को फ़ोन करता हूँ कि वो कहाँ पहुँचे हैं। ये एक ख़राब एक्सपीरियंस था जो एज अ कस्टमर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। संतोष जी आ गए हैं, और संतोष जी क्या हुआ था, गलत डोमिनो गलत जगह पहुंच गया था। गलत जगह ठीक है, पर है कि हाँ बफर रखा हुआ था टाइम पे यहाँ पे, पर आपका जो बफर था ना वो मेरे लिए लेट था। मतलब जनरली मेरा आदत क्या है कि मैं एयरपोर्ट पे 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाता हूँ। गेट के पास अच्छा गेट के पास मेरा प्री ओपनिंग का जैसा होता है ना 15 मिनट का बफर, 15 मिनट का बफर था मेरे पास, तो T2 to T1 आने के 15 मिनट का बफर। चलो फाइनली संतोष जी भी आ गए हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम सुंदर सर के सन के रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं, और अभी बस यहाँ पे हम लोग हमारे गेट के पास आ गए हैं। यहाँ पे आई थिंक अभी 15 मिनट में मुझे बोला था बोर्डिंग स्टार्ट होगा, तो जब भी बोर्डिंग होगा देखो वहाँ पे 15, ये वहाँ पे गेट नंबर 15-16 लिखा है, जो 17 नहीं लिखा है ना वही अपना गेट है, वो नीचे है। तो बस वही अपना गेट है, वहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से चेन्नई।
छः बज रहे हैं और अभी हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट पे आ गए हैं, संतोष जी और मैं दोनों जन। और अभी संतोष जी अपने पास सिर्फ वहाँ पे एक सवा घंटा ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कितना टाइम दिखा रहा है यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए? लगभग एक घंटा दस मिनट। एक घंटा दस मिनट, ओके। यहाँ पे बंद है तो बस अभी संतोष जी ने टैक्सी बुक कर लिया है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे रिसेप्शन में। शरद का मेरे को ऑलरेडी मैसेज आ गया था कि कहाँ पहुँचे, क्या है क्या नहीं है, बता दिया शरद को हम लोग आ रहे हैं। अभी जाते हैं वो रिसेप्शन के होटल में, बहुत फटाफट करना पड़ेगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। सही, यहाँ पे पुलिस को अच्छी गाड़ी दी है, क्रेटा दी है और अच्छा दिया है, पुलिस को गाड़ी अच्छा दिया इधर। ये देखो ये रहा पुलिस का कार। आ गए हम लोग टैक्सी पिकअप एरिया में। अभी 7:30 हुआ है और हम लोग अभी पहुंचे हैं। बहुत थक गए यार हम लोग यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक था। 8:30 हो रहे हैं और मैं और संतोष जी उतर गए हैं। हम लोग मतलब उतर गए इन द सेंस, यहाँ पे इनकी शादी थी, ऊपर से नीचे आए। यहाँ पे नीचे खाना वगैरह चल रहा था, मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि मुझे मेरी थोड़ी है ना तबीयत ठीक नहीं लग रही यार, बहुत ही हेक्टिक हो गया वो चक्कर में मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने पानी पिया और फ्रूट्स खा लिया। और संतोष जी ने खाना खाया, पर कैसा था संतोष जी खाना? बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल खाना था, अच्छा था ना, मजा आया ना। एक्चुअली मैं खा मतलब खाना चाहता था पर हेल्थ की वजह से खा नहीं पाया। लोकल डिश अच्छा लगता, कोई भी शहर में जाओ वहाँ का लोकल डिश, जाओ कोई भी राज्य में जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ वहाँ का लोकल डिश मजा आता है। यहाँ पे प्योर लोकल था, कोई भी नॉर्थ इंडियन कोई स्टाइल नहीं था। और सुंदर जी शरद ने बहुत अच्छा वेलकम किया हमने। ये है क्या अपना टैक्सी, क्या था अपना? हाँ यही है, ये टैक्सी भी आ गया है। अभी जाते हैं, अपना 10:30 का फ्लाइट है ना। चलो आ गए अभी एयरपोर्ट पे। अभी मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम 7% पे है, फ़ोन चार्ज करेंगे एक जगह पे शांति से बैठेंगे, फिर आपसे बात करता हूँ। कितना बज रहा है अभी? सारे पौने एक। तो अभी कितना देखो टाइम, 12:53 ऑलमोस्ट एक बज रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पे टर्मिनल 2 पे लैंड हो गए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, मैंने पहल के लिए ये चॉकलेट भी ले लिया और संतोष जी जाएंगे अपने घर। तो हम लोग यहाँ से ऑटो स्टैंड जाएंगे और वहाँ से ऑटो पकड़ के निकल जाएंगे। ओवरऑल हमारा ये जो मतलब स्पेशली मेरा ये जो पूरा दिन था वो बहुत हैक्टिक था। आप लोगों को मैंने बताया कि सुबह क्या हुआ, फिर वो फ्लाइट में गए, फ्लाइट डिले हो गई, फिर वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे तो कुछ ज़्यादा टाइम दे भी नहीं पाए, पर जो भी था वो अच्छा ही था। सुंदर जी ने और शरद ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को मतलब वेलकम किया, मज़ा आया। तो बस यही था हमारा आज का ये ब्लॉग। अभी मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।